असलकम हम बात कर रहे हैं साज़म या तंज की अब हमने पहले बात की है जो इसके थ्योरेटिकल uh, साइड पे कुछ टिप्स दिए हैं कुछ uh, आपको बताया कि कैसे लिखना चाहिए है इसमें हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली थोड़े से और एग्जांपल्स और uh, ख़ुद भी लिख के थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि जी तंज को लिखा कैसे जाता है या साज़म को हम लिखते कैसे हैं uh, कुछ एग्ज़ाम्पल्स ही होंगे ऑब्वियसली तंज जो है बहुत कम ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि ख़ाली तंज लिखते चले जाते हैं और उसी तरह वो पूरी पूरी अपनी कहानी जो है वो बिल्ड करते हैं मगर ज़्यादातर जो क्रिएटिव राइटर राइटिंग होती है खास पर पे अज़म जो इस्तेमाल होता है क्रिएटिव राइटिंग में वो एक्सर्प्स में यानी कि जो आप फिक्शन लिख रहे हैं या कोई और ऐसी चीज़ लिख रहे हैं उसके अंदर आप कहीं कहीं तंज जो है वो इस्तेमाल करते हैं तनस जो है वो मजाक के साथ भी बहुत चलता है तो हम तनस को मजाक में जब हम लिखते हैं या कॉमेडी राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ साख या जो इस्तेमाल है साक का वो मार्क एंटनी की स्पीच है जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी उसका एक एक्सरप मैं पढ़ के सुनाती हूँ मगर जो स्टूडेंट्स हैं इस लिटरेचर uh, के उन्होंने ये पढ़ा होगा और इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री इट्स वन ऑफ़ द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ साकाजम एंड वो किस तरह एक फीलिंग जो है वो इस साकास्टिक राइटिंग के थ्रू जो है वो उजागर करता है उन लोगों में कि वो सीज़र uh, की मौत का बदला उतारे द नोबल ब्रूटस टोल्ड यू सीज़र वॉज एम्बिशस If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honourable man. So are they all, all honourable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did the Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar had wept. Ambition should made of sterner stuff, yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. Now, what Shakespeare? कि वो बात कर रहा है कि जी ब्रूटस जो है वो बड़ा एक ऑनरेबल आदमी है और वो उसने कहा कि जी सीज़र एम्बिशस है बेसिकली मार्क एंथनी ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रूटस ने बोला है वो गलत बोला है मगर ब्रूटस की तारीफें करते हुए भी वो साकेस्टिक हो रहा है और उसकी तारीफें कर रहा है वो तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि जी एंथनी बोलता है कि जी ब्रूटस जो है वो कह रहा है कि सीज़र जो है वो एम्बिशस था मगर कैसे हो सकता है जब वो गरीबों के लिए पैसे लाता था गरीबों के लिए रोता था तो वो एम्बिशस कैसे था मगर सही ही कहता होगा क्योंकि ब्रूटस तो एक ऑनरेबल आदमी है तो इसी तरह बोलते बोलते अगर आप पूरी स्पीच ये सुनेंगे तो उसमें इंतहा जो है वो तंज़ की है कि जहाँ एंटनी जो है वो तंज़ कर रहा है ब्रूटस के ऊपर कि उसने तुम लोगों से जो ये बात की है कि सीज़र को आ, मारा गया और सही मारा गया वो गलत है और वो एक तंस के ज़रिए इस बात को लोगों के अंदर पहुंचाता है अगला एक सब, अब इसके बाद हम चलें इसी तरह का एक राइटिंग uh, का एग्ज़ाम्पल लेते हैं जहां पर हम किसी की तारीफ करके तंज कर रहे हो जहां वी डोंट रियली वांट टू दैट समथिंग इज़ गुड बट बाय बीइंग By creating situations and comparisons, हम ये कह रहे हैं तारीफ़ करके एक तन्ज़ कर रहे हैं तो उसका एक एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं फूड वॉज़ नोट दैट क्रेट अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि खाना जो था वो इतना को ख़ास नहीं था कोई अच्छा नहीं था मगर ये कहने की जगह हम एक तंज़िया तरीक़े से बात करते हैं इसके बारे में The meat was of excellent quality. We could see it in the oozing blood that left. Its veins as we cut the meat. Yes, it was bland and had little taste, but the meat was. Of excellent quality. The vegetables were organic, kept raw to introduce. The palate to the nature's taste, they complemented the meat, which was. एक्सलेंट क्वालिटी बाब ने यह देखा कि हमने दो तीन दफ़ा रिपीट किया कि जो गोश्त है उसकी क्वालिटी बेतहाशा अच्छी है अब हम कैसे पता था हम क्या कह रहे हैं कि जी कच्चा था गोश्त बिल्कुल उसमें तो खून निकल रहा था पक्का वही नहीं था मगर गोश्त अच्छा था फिर जो सब्जियाँ साध दी थी वो बिल्कुल कच्ची थी हमने कहा कि शायद इसलिए कच्ची है क्योंकि हम चाहते थे कि वो चाहते थे कि वो जो इसका बिल्कुल नेचुरल टेस्ट है जो नेचर का टेस्ट है वो आपको पता चले और चूंकि वो भी कच्ची थी और गोश्त भी कच्चा था तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे मगर गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो हमने बार बार जो है वो गोश्त की क्वालिटी की अपने तारीफ़ की मगर अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि ना गोश्त पक्का हुआ था ना उस किसी मज़े का था ना सब्जियाँ पक्की हुई थी तो जो खाना पूरा था वो काफ़ी बदमजा था तो अब हम एक अगला एग्जाम्पल साकाज़म का हम देखते हैं ये एलिस इन वंडरलैंड का एक एक्सर्प्ट है मैं उसमें से पढ़ रही हूँ वुड यू टेल मी प्लीज़ विच वे आई ऑट टू गो फ्रॉम हेयर दैट डिपेंड्स अ गुड डील ऑन वे यू वॉन्ट टू गो द कैट आई डोंट मच खे वे एलिस देन इट ड मच मैटर विच वे यू गो सेट सो लॉन्ग इज़ आई गेट सम एलिस एडेड एज एन एक्सप्लनेशन ओ योर शोर टू डू देट सिद दैट इफ़ यू ओनली वॉक लॉन्ग इनाफ यानी कि एलिस और बिल्ली के दरमियान जो है वो गुफ्तु ये हो रही है कि भाई अब मैं कौन सा रास्ता चुनूँ कहती कोई भी कर लो तुम जाना कहाँ चाह रही हो कहती है बस मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है बस कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँ तो बिल्ली कहती है भाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगी अगर चलती रहोगी लंबा चलती रहोगी कहीं ना कहीं तो तुमने पहुंचना ही है तो वहाँ पे वो साकाजम आता है कि द कैट सर्स कि भाई मंजिल तो आनी है कौन सी मंजिल है लंबा चलती रहोगी तो तुम्हें नहीं पता कौन सी मंजिल है तो यहाँ पर उसने कैट ने जो है साकाजम का इस्तेमाल किया है तो हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं साके की और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसको को फ़िलोसॉफिकल आप कहते हैं कि जो एक फ़लसफ़े पे साका जो है वो बेस होता है दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ़ दैट कि यू यू नो इफ़ यू वॉक लॉन्ग अनाफ कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे तो अगर हम इस तरह का एक फ़लसफ़े वाला साका लेते हैं और हम ये कहते हैं कि काम करोगे तो उसका फल तो मिलना है ठीक है सो so, यू will bear the फ्रूट्स of hard work ये तंज है मतलब हम इसके ऊपर जो है ये फ़लसफा है जिसके ऊपर हम तंज जो है अपना बेस करेंगे चले हम बात करते हैं आ, माँ बेटी की पहले भी कर चुके हैं Life is but hard, but if you challenge it, you are sure to win. Why challenge it? Why not go with the flow? mom with the flow you are bound to hit rocks that come as surprises But if you work and plan, then you can face the challenges with success, daughter. So if I work and plan, I will hit rocks. If I go with the flow, I hit rocks. So, why should I work hard? So, if the mother gives it, she will say that hard work will bear fruit, but not working hard will just give you challenges. So, that is how you sort of complete the sarcasm. Thank you.